गुड मॉर्निंग, कैसे आप? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी का रनवे। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग सीखेंगे टाइफाइड के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी फ्रेंड, हाल के दिनों में किसी भी घर में कोई व्यक्ति जांच कराने जाता था, बीमार पड़ता था, तुरंत टाइफाइड पॉजिटिव आता था। तो टाइफाइड होता कैसे है, टाइफाइड से बचा कैसे जाए और टाइफाइड के बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को आपको देखना है। तो आइए बता देते हैं टाइफाइड होता क्या है। तो टाइफाइड एक साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। सिंपल सा चीज है, आ गया। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। पहला पॉइंट, यह एक जीवाणु से फैलता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। याद रखने का ट्रिक जो है ना, बहुत ही अमेजिंग है। साल्मोनेला टाफी, लेकिन टाफी ने भी है, टाइफी। साल्मोनेला टाइफी से क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। और यह टाइफाइड से ग्रस्त रोगी के वाहक मल द्वारा मनुष्यों में संक्रमित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है। टाइफाइड रोग की जांच विडाल परीक्षण कहलाती है। सिंपल सा चीज है, अगर आपके घर में भी कोई टाइफाइड की जांच कराया हो तो वहां आप जाके चेक करिए, ऊपर लिखा होगा विडाल जांच। तो टाइफाइड की जिससे जांच की जाती है ना, वो होता है विडाल परीक्षण। सिंपल, याद हो गया। आइए, जब टाइफाइड का जीवाणु जो है, टाइफाइड का जीवाणु भोजन पानी के माध्यम से कहां पे जाता है, छोटी आंत में। आप देख सकते हो, इसका बहुत छोटा ट्रिक मैंने तैयार किया है। टाइफाइड रोग किससे होता है, रोग का नाम है टाइफाइड। जीवाणु किस जीवाणु से होता है, बताया, साल्मोनेला टाइफी से होता है। और प्रभावित अंग क्या है, इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है, छोटी आंत। प्रभावित अंग क्या है, छोटी आंत है। क्लियर। अब जो है, छोटी आंत में कुछ दिन रहने के बाद यह हमारे ब्लड में प्रवेश पा जाता है। तो आप सभी को पता है कि ब्लड का अपना एक निश्चित टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पे वो अधिक तेजी से द्विगुणन करने लगते हैं। और जब ब्लड में उनकी संख्या बढ़ जाती है तो फिर से इन जीवाणुओं का एक झुंड हमारी छोटी आंत में आ जाता है। तो क्या हो जाता है, तो हमारे शरीर में कुछ लक्षण आने लगते हैं। तो क्या लक्षण आते हैं, आइए देख लेते हैं। पहला लक्षण, आंतों में रक्त स्राव। तो क्या होगा, आंतों में घाव हो जाता है जिससे अंदर ब्लड आने लगता है, आंत के अंदर ही। दूसरे पॉइंट में क्या लक्षण आता है, पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाबी दाने का उभरना। वो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हो ये हटाओ, ऐसा करो, तो देखते हैं कि कहीं आपके पास गुलाबी दाने तो नहीं निकले हैं, वो लक्षण ही चेक करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। दूसरे पॉइंट पे, जीभ पर सफेद पदार्थ का जमा होना। तो अक्सर जब आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे तो डॉक्टर आपको जरूर ऐसे करवाया होगा, जरा जीभ दिखाओ, ऐसे करवाया होगा। तो क्या देखना चाहता है, अगर आपके जीभ पर व्हाइट कलर की परत जमी है तो टाइफाइड का ये लक्षण है, ध्यान रखना। तीसरे पॉइंट, भूख ना लगना, पेट का मुलायम होना। तो डॉक्टर ऐसे पेट चेक करते हैं, अगर पेट मुलायम है, अगर आपसे पूछते हैं भूख नहीं लगी है, भूख लगती है कि नहीं लगती है, आप कहोगे नहीं लगती है, तो वो टाइफाइड का लक्षण है। कब्ज तथा अतिसार, जिसको डायरिया इंग्लिश में बोलते हैं। तो टाइफाइड के भैया ना इतने लक्षण है, आंतों में रक्त स्राव, पैर व छाती पर छोटे छोटे गुलाबी दानों का उभरना, जीभ पर सफेद पदार्थ का जमा होना, भूख न लगना, पेट का मुलायम होना, कब्ज तथा अतिसार, ये टाइफाइड के लक्षण है। अब बात कर लेते हैं टाइफाइड का जो जीवाणु होता है कैसा होता है। ये रॉड लाइक होता है, ठीक है, मतलब छड़ाकार होता है, दंडाकार। और एक पॉइंट और समझना है, अब टाइफाइड की रोकथाम कैसे की जाए, इसे बचा कैसे जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, पढ़ लो भैया, एक पॉइंट है, यह एक जल जनित रोग है। जल जनित रोग कहने का मतलब यह एक जल से होने वाला रोग है। तो सिंपल सा चीज है, सामुदायिक स्वच्छता के उपायों द्वारा स्वच्छ रोगाणु रहित जल की आवश्यकता उपलब्धता सुनिश्चित करें, तो इससे जो है हम टाइफाइड से बचे रह सकते हैं। दूसरे पॉइंट में, खाद्य पदार्थों का सुरक्षित रख रखाव करें, इनके उपयोग से हम टाइफाइड से बचे रह सकते हैं। एक और पॉइंट, जाहिर सी बात है, मक्खियां भोजन को दूषित कर देती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, तो मक्खियों का प्रबंध करना भी ना बहुत जरूरी है। तो इतने पॉइंट हो गए टाइफाइड से, क्लियर हो गया। अब हम लोग पैथोजेनिक रोग उत्पादकता की बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी, पूरी दुनिया भर में, पूरे विश्व भर में
लगभग ना 6 लाख लोग, ठीक है 6 लाख लोग, क्या ही ढाई सैकड़ा हजार परसेंट, पूरी दुनिया भर में पूरे विश्व में 6 लाख लोगों की मृत्यु टाइफाइड से हो जाती है, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में टाइफाइड में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण वह रोग उत्पन्न कर देता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है। टाइफाइड में आखिर ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण वह रोग उत्पन्न कर देता है, तो टाइफाइड में ना वी आई प्रतिजन, टाइफाइड में वी आई प्रतिजन, वी आई प्रतिजन पाया जाता है जिसके कारण वह रोग उत्पन्न करता है। और एक बहुत ही जरूरी बात, अगर कोई व्यक्ति टाइफाइड से इन्फेक्टेड है, अगर अगर कोई व्यक्ति टाइफाइड से इन्फेक्टेड है, अगर उसका मल मूत्र किसी बड़ी वाली पानी के टैंकी में अगर इतना डाल दिया जाए थोड़ी बहुत मात्रा में, तो उसको जितने भी लोग पिएंगे वो सबके सब टाइफाइड से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ये तो हो गया टाइफाइड से बचाओ, टाइफाइड होता कैसे है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो है घरेलू तरीके से टाइफाइड से कैसे बच सकते हैं। तो आप सबको पता है कि आपके घरों में होंगे तुलसी के पत्ते, तुलसी की तुलसी का पौधा होगा, तुलसी का जो पौधा होता है उसकी जड़ों को पीस करके पीने से टाइफाइड में राहत मिलती है। और घरों में एक बहुत ही औषधि गुणकारी पौधा जिसका नाम है गिलोय, गिलोय गांव में इसको गुर्च के नाम से जानते हैं, गुर्ची, आप अपने दादा दादी से पूछोगे तो जरूर बता देंगे कि गुर्च क्या होता है, तो उसको जो है पीसकर पीने से टाइफाइड में बहुत राहत मिलती है। और एक और इंटरेस्टिंग जानकारी, इसी टाइफाइड को ही आंत ज्वर के नाम से जानते हैं। अक्सर हमारे गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो दादी कहती है ये फलाने बुखार आती मिल गया, फलाने बुखार आती तक घुस गया रहा, आती मिल गया रहा, इसलिए वो मर गए। तो सिंपल सा चीज है, वो इसी टाइफाइड की ही बात करते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम है, इसको मोती छरा के नाम से भी जानते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आप इसका स्क्रीन साथ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।